हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी सीरीज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे इंटरनल डिटेल, जैसे कि अगर हम कोई हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके इंटरनल में क्या चल रहा है जब हम उसको कंपाइल कर रहे हैं या फिर रन कर रहे हैं, तो हमारा JVM या फिर हार्डवेयर या फिर कंपाइलर इंटरप्रेटर कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे हमारी जो जावा फाइल स्टेप वाइज कैसे वो एग्जीक्यूट होके एक फाइनल आउटपुट शो कर रही है, उसके बारे में आज हम फुल्ली डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट हैपन एट कंपाइल टाइम, जब हम कोई जावा की सोर्स फाइल जावा डॉट जावा फाइल को जब हम कंपाइल करते हैं, यानी कि जावा सी, फिर फाइल का नेम डॉट जावा जो हम लिखते हैं या फिर क्लास का नेम डॉट जावा जो लिखते हैं, तो वो कंपाइल जब हम करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, कैसे हमारा जो कंपाइलर है वो कैसे वर्क करता है। तो जैसे मैं आपको सबसे पहले सैंपल दिखा देता हूँ, जैसे कि ये जो हमारा प्रोग्राम था ये जावा सी फाइल नेम या फिर यहाँ पे क्लास नेम, अभी तो फिलहाल दोनों सेम है, इसलिए फाइल नेम डॉट जावा हमने जब यहाँ पे कंपाइल इसको किया तो ये हमारा जावा सी जब हम लिखते हैं मतलब उस फाइल को हमने कंपाइल किया है। अभी जब हम फाइल को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर जो हमारा फाइल है डॉट जावा की फाइल को, ये जो हमारा जावा सिंपल डॉट जावा जो फाइल थी वो डॉट जावा की फाइल को कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो हमारी डॉट क्लास फाइल जो बनती है वही बाइट कोड होती है। तो ये जो कंपाइलर हमारा कंपाइल करके डॉट जावा को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है वो हमारी बाइट कोड होती है। ये होता है जब हम अपने जावा फाइल को कंपाइल करते हैं। तो व्हाट हैपन्स एट रन टाइम, जब हम अपने जावा फाइल को कंपाइल कर लेते हैं, जब हमारी डॉट क्लास फाइल यानी कि बाइट कोड जनरेट हो जाती है, उसके बाद से हमारा आगे का फंक्शनिंग कैसे वर्क करता है, कैसे हमारी फाइल एग्जीक्यूट होती है JVM के थ्रू, और कैसे कैसे वो एक दूसरे इंटरप्रेटर हो या फिर हार्डवेयर हो वो कैसे इंटरेक्ट करती है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारी क्लास फाइल बन गई यानी कि बाइट कोड जो बन गया जावा का, वो क्लास लोडर के हेल्प से वो लोड होती है JVM के अंदर। फिर उसके बाद से बाइट कोड वेरीफायर का मतलब ये होता है कि जब वो क्लास JVM के अंदर आ जाएगी तो वहाँ पे ये चेक किया जाता है सिंटेक्स कि उसका प्रॉपर सिंटेक्स है कि नहीं, अगर कोई मिस्टेक होगा तो वो उसी टाइम पे एरर दे देगा, लेकिन अगर कोई मिस्टेक या फिर कोई एरर उसमें नहीं हुआ तो वो आगे इंटरप्रेट के लिए आगे चली जाती है। इंटरप्रेट का मतलब ये होता है कि लाइन बाय लाइन हमने जो जावा की जो फाइल बनाई उसके अंदर जो जितनी भी लाइन है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है रन टाइम पे, फिर उसका आगे आउटपुट एक जगह बफर में स्टोर होता रहता है, उसके बाद से हमें फिर फाइनल आउटपुट जनरेट हो जाती है हार्डवेयर के थ्रू। तो ये हमारा डॉट क्लास फाइल का फिर फाइनल आउटपुट तक पहुंचने का ये फुल प्रोसीजर था। इन सारे ये फेज से होते हुए हमारी जो फाइनल आउटपुट होती है वो एग्जीक्यूट होके कंसोल पे हमें शो होती है। तो ये सब जानने के बाद जहाँ तक लगता है कि आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और भी होंगे जो आप जानना चाहते हैं, तो कुछ क्वेश्चन का मैं अभी आपको रिस्पॉन्स यहाँ पर दे देता हूँ। अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चन के डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिस्पॉन्स जितना जल्दी हो सके दूंगा। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, कैन यू हैव मल्टीपल क्लासेस इन जावा सोर्स फाइल। अगर हमने जैसे कि जावा की एक फाइल हमने बनाई है, सोर्स फाइल बनाई है, उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, तो यस ये पॉसिबल है कि क्लास ए बी सी, जैसे यहाँ पे सैंपल में मैं यहाँ पे शो किया हूँ, एक डी डॉट जावा नाम की एक फाइल है जिसके अंदर ये तीन क्लासेज हैं, तो कंपाइलर जब इसको कंपाइल करेगा तो तीन अलग अलग डॉट क्लास फाइलें जनरेट होंगी। जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आप इजिली इस चीज़ को देख सकेंगे, तो आप इस चीज़ को अभी माइंड में रख लीजिए। अगर हमारे फाइल के अंदर, सोर्स फाइल के अंदर जितनी भी क्लासेज होंगी उतनी डॉट क्लास फाइल यानी कि उसकी बाइट कोड जनरेट होगी कंपाइलर के थ्रू। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम देख लें, कैन यू सेव अ जावा सोर्स फाइल बाय अदर नेम देन द क्लास नेम। तो जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में, अभी इसके पुराने वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कि अभी तो हम सेम क्लास का नेम और सेम जो फाइल हमने बनाई है वो सेम नेम हमने दिया था, लेकिन हम उसको अलग अलग नेम भी दे सकते हैं, मतलब कि क्लास का नेम हम कुछ और दे दें और जो फाइल है उसको उसका नेम कुछ और देंगे, लेकिन कंडीशन सिर्फ इसमें यह है कि जो हमारी जो क्लास है वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए, तब जाके हम ये अलग अलग नेम ऐसे दे सकते हैं, मतलब क्लास का नेम कुछ और फिर फाइल जो सेव करेंगे उसका कुछ और। लेकिन तो जब हम उस फाइल को कंपाइल करेंगे तो हमें जो फाइल नेम जो जिस नाम से हमने सेव किया है उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा, जैसे कि जावा सी यहाँ पे हार्ड डॉट जावा ऐसे हमें कंपाइल करना पड़ेगा, लेकिन जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें लिखना होगा जावा और उसके बाद से सिंपल। तो
तो इसका हम एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं दोनों क्वेश्चनों का। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये मल्टीपल क्लासेस का क्या सिनारियो है, इसको जब हम अपने सोर्स फाइल के अंदर अगर बहुत सारी क्लासेस रखते हैं तो कैसे हमारी डॉट क्लास फाइलें भी उतनी जनरेट होती हैं, इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारी जो इस फाइल के अंदर क्लासेस है सिर्फ एक ही क्लास है, इसके अंदर हम दो तीन और क्लासेस बना के देख लेते हैं कि हमारी जो डॉट क्लास फाइल यानी कि बाइट कोड जो जनरेट हो रहा है वो जितनी क्लासेस बन रही है उतना हो रहा है कि नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, हम दो तीन क्लासेस इसी फाइल के अंदर बना देते हैं सिंपल, ये जो फाइल है इसी के अंदर। तो हम क्लास का नेम दे देते हैं ए, ये इसकी बॉडी है, इसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फिर एक और क्लास हम बना देते हैं जिसका नाम है बी, फिर इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब हम सीएमडी में इसको पहले कंपाइल करेंगे, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो अभी जो हमारे पास जो फाइलें हैं जो हमने पहले एग्जीक्यूट की थी, ये सिंपल डॉट क्लास फाइल, इसकी जब ये एक सिंगल क्लास थी तब इसका एक क्लास फाइल जनरेट हुआ था, अब इसके अंदर हमने दो क्लासेज और ऐड कर दी हैं। तो चलिए इसको हम कंपाइल करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें टाइप करना होगा जावा सी, फिर क्लास का नेम, फाइल का नेम डॉट जावा, फिर इसको एंटर करेंगे। तो जैसे हमने एंटर किया आप देख सकते हैं ए और बी, ये जो दो क्लासेज हमने इसके अंदर हमने ए और बी जो दो क्लासेज बनाई थी, ऐसे ही ये दो बाइट कोड इसके जनरेट हो गए डॉट क्लास फाइल, ए डॉट क्लास बी डॉट क्लास। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमारे सोर्स फाइल के अंदर जावा सोर्स फाइल के अंदर जितनी भी क्लासेज होंगी उतने ही यहाँ पे ये क्लास फाइलें जनरेट होंगी, बाइट कोड जनरेट होंगी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, कैन यू सेव अ जावा सोर्स फाइल बाय अदर नेम देन द क्लास नेम। तो इसमें क्या है कि हम जो फाइल का नेम अगली बार सेव करेंगे वो अलग नाम से होगी और जो क्लास का नेम होगा वो अलग नाम से होगा। तो चलिए देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कि ये बिल्कुल करेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए एक हम अलग से फाइल एक बना लेते हैं, क्लास का नेम मैं दे देता हूं डेमो देन इसका मेन मेथड डिफाइन कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, इसके अंदर एक हम मैसेज प्रिंट करा देते हैं हेलो वर्ल्ड। तो अभी जो हमारी ये क्लास का जो नेम है ये है डेमो, लेकिन अब जो हम इसको सेव करेंगे इसका नाम हम कुछ और दे देंगे, जैसे कि इसको हम नाम दे देते हैं चेक, चेक डॉट जावा, जो फाइल का नेम है वो चेक डॉट जावा है और जो क्लास का नेम है वो डेमो है। इसको हम रन करके सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हम सीएमडी हमारी ओपन हुई है, रन करना ये चेक फाइल यानी चेक डॉट जावा फाइल। तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल करेंगे जावा सी देन चेक डॉट जावा, एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे चेक फाइल के अंदर जो डेमो नाम की जो क्लास थी उसका ये क्लास फाइल बाइट कोड जनरेट हो गया। अब जो हमें एग्जीक्यूट करना होता है वो हमें क्लास फाइल यानी कि बाइट कोड को ही एग्जीक्यूट करना होता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। अब इसके बाद हम एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे टाइप करेंगे जावा और जो उसके अंदर क्लास का नाम था यानी कि डेमो, फिर उसके बाद से हम एंटर प्रेस करेंगे तो इसके अंदर ये जो मैसेज था हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी करेक्ट हो गया, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमने प्रूव कर दिया। तो ये था हमारा जावा का सबसे बेसिक कोड, और इसमें आपने देखा कि कैसे हम अपने फाइल का नेम और क्लास का नेम अलग अलग करके भी सेव कर सकते हैं एक फाइल के अंदर, एक जावा फाइल के अंदर हम बहुत सारे क्लासेस भी रख सकते हैं और उसकी अलग अलग एक बाइट कोड अलग अलग बाइट कोड जनरेट होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या फिर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।